हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मेरा आज का एडवेंचर है, हम जा रहे हैं जी नीला दहन जो कि एक आबशार है और अभी हम चढ़ने लगे हैं। जैसे एक पहाड़ी है, कट्ठा पहाड़ी है, मेरे पीछे देख रहे हैं टॉप पे वो सबसे ऊपर हमने जाना है। इधर से नीला वाहन है जी तकरीबन 20 किलोमीटर, तो बाइक पे हमने ये एडवेंचर करना है। थोड़ा डेंजर भी है, तो होप सो आप इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह नीला दहन पहुँच कर आपको हम इंजॉय करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा सफ़र हो गया है उस्ताद। ये पहाड़ी है, इसको बोलते हैं कट्ठा की पहाड़ी और काफ़ी हाइट से है। आप देख सकते हैं हम बाइक पे जा रहे हैं और ये है कि इसलिए मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ कि रोड अच्छा बनाऊँ। पहले बना हुआ था करके, अब नया रोड नहीं बनाया, पुराना भी नहीं है और इतना नया भी नहीं, लेकिन अच्छा है सफ़र करने के लिए। मौसम भी ठीक है, धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। इधर हमें टाइम तो लग ही जाएगा, तकरीबन 40-50 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हड़ी पिछड़ हड़ी काफ़ी ज़्यादा है। दोनों में तना आ जाए, आप बाइक पे जाते हैं मुश्किल नहीं है जाना, लेकिन ये है कि आपको चाहिए कि सामान नीला वाहन जाने का ये एक शॉर्टकट और अच्छा रास्ता है। ये सीधा सरगुदे आकर सरगुदा से जाना पड़ता है कि चार चक्कियाँ से रोड जाती है खुशाब से आगे सड़क आती है जो बिल्कुल कारपेट रोड बना हुआ है, न्यू रोड बना हुआ है, वो सीधा इधर आपको लेके आती है कट्ठा की पहाड़ी पर। इधर से एक तो ये शॉर्टकट भी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। इधर से कोई भी गाड़ी हो, छोटी बड़ी बाइक या कोई भी गाड़ी हो, उसके बाद आप कितनी भी नीला वाहन तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल अच्छा है, हमारे सामने एक गाड़ी भी जा रही है, तो इधर हमने देखी है सारी गाड़ियाँ इधर चलती हैं। दूसरी साइड से जो लोग आते हैं वो आते हैं कलर खार की तरफ से, मोटरवे इंटरचेंज से, उधर से तकरीबन उधर से भी तकरीबन 20 किलोमीटर बन जाता है कलर खार से। जो लोग कैंपिंग और पैदल सफ़र करना और जो हाइकिंग करने के लोग शौक़ रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, आप बाइक का सफ़र करें, एंजॉय। और जल्दी हम पहुंचने वाले हैं नीला वाहन, तो बाकी आपको एंजॉय तो जाके करते हैं जी। व्यूअर्स, हमने तकरीबन आधा सफ़र कर लिया है, ये पहाड़ी की तकरीबन आधा सफ़र हमने कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमने पहाड़ देखा जो कि कच्चा पहाड़ है, तो वो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने मेरे है, ये कच्चा पहाड़ है, इसके ऊपर सब्ज़ा आया हुआ है, तो ये अल्लाह की कुदरत है। तो तकरीबन हमने आधा सफ़र कर लिया, बाकी हमारा भी सफ़र है बाकी इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको बाकी नज़ारा दिखाते हैं खूबसूरत पहाड़ों का। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा व्यू है। जैसे हम पहाड़ी से तकरीबन नीचे उतर रहे थे तो रास्ते में हमने देखा एक आबादी आई, आबादी के बाद ये एक प्यारा सा व्यू आया, तो हमने इधर रुक के देखा कि नीचे जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही थी इधर गंदम की फसल थी, कुछ लोग कटाई कर रहे थे और कुछ कटाई हो गई थी। एक साइड पे आबादी है, साथ उसके एक मस्जिद छोटी सी बनी हुई है और ये सारी गंदम की फसलें हैं। ये सेंटर में एक इन्होंने बनाया हुआ है जी डेरा टाइप ना, दरख्त लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हमारा सफ़र होने वाला है ख़त्म और अब हम आपको मिलते हैं जाके ब्लू वाटर पे। नीला वाहन बेसिकली एक पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका नीले का मतलब होता है, आपको पता है कलर को कहते हैं, और जो वाहन होता है वो होता है एक बरसाती नाला, ठीक है। तो इधर से हम जा रहे हैं जी नीचे, पूरा हमारी उम्मीद तो यही है कि हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, और नीचे आके हमने कुकिंग भी करनी है, तो साथ में हम कुकिंग भी करके आपको दिखाएंगे। उधर हमने बनानी है बीफ कढ़ाई और साथ में नीला वाहन में जाके नहाएंगे और उधर आपको जो कि चश्मा है सारा आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं नीचे नीला वाहन के ट्रैक पे, तो उधर जाके हम देखते हैं कि पार्किंग कहाँ पे है, बाइक को पार्क करेंगे और फिर नीचे चलेंगे। जो है ना ट्रैक वो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उधर आती है जी पार्किंग,
क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकती ना बाइक जा सकता है। तो इधर इनकी सेफ पार्किंग है, अच्छी इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, तो इधर साथ बाइक भी आप खड़ी कर सकते हैं। इधर से आपको पर्ची वगैरह देते हैं, इधर आप अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी करके इतनी पैदल वॉक करके जा सकते हैं। इधर से लाइफ जैकेट भी मिलती है, नीचे से भी मिलती है, लेकिन ये है कि इधर से आपको 150 में मिलेगी लाइफ जैकेट, और जो नीचे जाके है वो अपने उनका कोई रेट फिक्स नहीं है, कोई 300 मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है। तो बेहतर यही है अगर आपने नहाना है सेफ्टी के लिए जो है लाइफ जैकेट वो बहुत ज़रूरी है। ये नीला वाहन का ट्रैक हो गया है स्टार्ट, आप देख सकते हैं इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रास्ते में पत्थर वगैरह तो हैं। तो हमारा ग्रुप सारा जा रहा है, हमने सारा सामान लिया है साथ अपना, और सामान में मतलब कि हम उधर जाके कुकिंग करेंगे, साथ में आपको दिखाएंगे। और ये हमने लाइफ जैकेट भी लिए हैं, क्योंकि ये उधर नहाने के लिए होती है, पानी बहुत गहरा है, इसकी कोई गहराई का अंदाज़ा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जा रहे हैं एक न्यू एडवेंचर करने, ट्रैक पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये ट्रैक है नीला दहन का। तो इधर से तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं उधर तक पहुंचने के लिए। पीछे मुझे तो पानी की आवाज़ भी आ रही है, अब पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप मेरे साथ रहिए, हम जाके देखते हैं और आपको भी साथ इंजॉय कराएंगे। पांच लोगों का हमारा ग्रुप है जी, और अभी ये जो है थोड़ा सा है डेंजरस ट्रैक, तो इधर से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं पानी की जो है आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई दे रही है। ये दूसरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर हमें घूमना भी पहुँचे। ऊपर से आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा व्यू है, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, दरख्त सब्ज़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने नीला वाहन को चार चांद लगाए हुए इसकी खूबसूरती में, बहुत ही खूबसूरत है। अभी चल रहे हैं इनके पास हम, ये एक थोड़ा सा है टफ पत्थर है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। बट एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोग, बल्कि आपको इधर आना चाहिए लाजमी, लेकिन जॉगर शूज़ के साथ आना चाहिए। जैसे जैसे हम नीला वाहन के करीब जा रहे हैं और उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है, अब आप लोगों को पता नहीं सुनाई दे रही है कि नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं जी, हम लोग बैठे हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा है जी ग्रुप पांच बंदों का, ये अकमल भाई हैं, बकार भाई हैं, हबीब भाई हैं, और ये हैं दिलावर भाई। हम जो पहुंच चुके हैं जी, जिसका मैंने आपको बताया था, तस्वीर बनाई
फेसबुक से चाड़ दी। अच्छा। लोग एक दो हजार एक तो लोग इधर टुर पे आबेशवा मतलब कि तुसी सुने हैं या कोई देखे भी देखे है? मेरी अपनी जाति जगह है। अच्छा मेरी जाति है भी जिते गाड़ी भी खड़ी है भी जाति मेरी आप लोग रखवा। अच्छा कोई गहराई का अंदाजा है? ये नीलावर ये जंगल है ये सरकारी है जेड़ा है रकमा मेरा रोड से दे दे। अच्छा सरकार है इस खबे हाथ में। अच्छा कितनी केरी लंबाई का कुछ पता? ये लंबाई तो मेरे को असि तो करो ही जानते हैं 10 करो 20 करो 50 करो असि तो जानते हैं और बस कोई ना जानते जट लोग। अच्छा शुगर आली पहले बनाया ना तालाब आप शफा पानी निकले सी बाद में 2001 में उस पानी शफा ने पहले बुछाल उस दी आई सी उस पानी पहले बुछाल उस दी आई सी उस पानी शफा तो भरा पहला भी शफा ने उस पानी भरा पानी उस पीता और लाहौर चली गई उस जाकर डॉक्टर को करनी इलाज उसको दिखाया उसने लिखा उसके माई तेरी शुगर है कौन के इलाज की थी मैं शुगर वाली ठीक होगी पानी हाँ पानी उस आके जी ऐ मेरी शुगर है हिस्सा उस वाते जी मशहूरी हुई आई चवाते नी लवान मशहूर। अच्छा बहुत शुक्रिया अंकल जी बहुत हम जा रहे हैं अपनी जगह ढूंढने के लिए क्योंकि इधर रश है तो कोई अच्छी सी जगह देखेंगे फिर उधर हम अपना सेटअप लगा के कुकिंग भी करेंगे खुद कुकिंग करेंगे और साथ में आपको भी इंजॉय करवाएंगे आप मेरे साथ रहें। अभी पानी की बात बहुत ज़्यादा आ रही है आप सबको मेरे ख्याल से अभी तो पानी की बात आ रही होगी कंटिन्यू ऐसे थोड़ा सा ये डेंजर रास्ता बाहर गुजर गया जी वेरी गुड हम पहुंच गए अपने जगह पे पहुंच गए। अच्छा दीप भाई ये हमारा किचन है? ये किचन है हमारा ठीक है भाई अपना स्विमिंग पूल दिखा। अच्छा ये दीप भाई ने अपना स्विमिंग पूल ही तो बनाया हुआ है इसको हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये चीज तो यार बाकी में बहुत मजे की जगह है ये देखिए जरा ये एक बहुत अलग सी डिफरेंट सी जगह है इधर कोई रश नहीं है और हम पहुंच गए हैं जी अपने पॉइंट पे ये बहुत जबरदस्त जगह है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी इसका नीला दहन नाम क्यों है। दहन बेसिकली एक पंजाबी का लफ्ज है जिसको कहते हैं जी बरसाती नाला और पानी इसका नीला है तो इसलिए इसको कहते हैं जी स्काई टाइप नीला ब्लू तो मतलब इसका कि नीला पानी नीला बरसाती नाले का पानी ये बहुत जबरदस्त है। अभी हम करने लगे हैं जी स्टार्ट कुकिंग और ये है जी बीफ ये है जी धनिया मेथी साथ में दही है ये है जी नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला ये नींबू हो गया खीरा मिर्चें टमाटर ये लहसुन का पेस्ट हो गया आप देख सकते हैं हमने अपनी खो को पानी की बोतलें फेंकी हैं तो साथ ही मछलियाँ आ गई हैं माशा से पहले कौन सी को पकड़ी आप लोग देख सकते हैं पानी के
ये नया तरीका कर रहे हैं जी अकमल साहब। सूर्य हम गए भूल घर तो कुछ तो करेंगे, ये लड़की कुछ तो करेगी। गाइज हमने अपनी कुकिंग कर दी है स्टार्ट। जब तक हमारी कढ़ाई जो है होगी तैयार तब तक हम नहाने का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं और आपको भी साथ इंजॉय करवाते हैं। अब आ गए हैं जी हम नहाने, तो पानी बहुत ठंडा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये पीछे सारे दोस्त नहा रहे हैं, जब पानी देखते हैं पीछे। भाई कैसे हैं आप? भाई एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा जनाब अली जुनेद। अली भाई, अली भाई कहाँ से आप? मैं सर लाहौर से आया हूँ, केनाल रोड से। अच्छा लाहौर के नाम, बहुत मजा आ रहा है इस साइड। अच्छा ये अली भाई हैं और ये कासिम, कासिम भाई और हाशिम, हाशिम भाई। अच्छा आपको किसी ने बताया था, आपने कोई यूट्यूब पे वगैरह पे देखा इनको? नहीं, मेरा असल में दोस्त आया हुआ था यहाँ पे, उसने बताया था। अच्छा, तो इसलिए हम इस जगह का विजिट करने आए हैं। अच्छा, यहाँ भी आके बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा व्यू है, कुदरती नज़ारा बहुत खूबसूरत। सही है, अल्लाह पाक का नज़ारे और अल्लाह पाक की कुदरत नज़र आ रही है यहाँ। बिल्कुल ऐसी है, खूबसूरत है। अच्छा अगर आपको लाइफ में दोबारा टाइम मिले तो लाजमी आइएगा, बहुत खूबसूरत जगह। बिल्कुल ऐसी है यार, थोड़ा मुँह निशानी गल सजदी नहीं ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आप इंजॉय करें। नहाना नहीं है आपने? नहीं सर, गट गुटी का टाइम। चलो ओके, शुक्रिया यार, थैंक यू। हमारी बीफ कढ़ाई हो गई है जी तैयार, और हमारी भूखे से हो गई है बस। अब है कि धनिया, धनिया का छुटकारा और मजा दुबाला। ये हबीब भाई लेके जा रहे हैं जी अपने डाइनिंग टेबल पे। गई, छोड़ दो, बस खुद ना जाइए। ये है जी हमारा डाइनिंग टेबल नीला दहन में। ये कढ़ाई हमारी हो गई है तैयार, और अभी हम खा रहे हैं जी। खा के आपको बताएंगे कैसी बनी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा, मैंने चेक की थी, बहुत टेस्टी है।
जी एक दरख्त बोहड़ का दरख्त जहाँ के मुकामी लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना दरख्त है जो कि 150 साल से शायद इसकी उम्र है और इसके साथ ही ये आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, ये रेड मिट्टी का पहाड़ है। इससे आगे वो टॉप पे जैसे सारी साल ट्रेन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, इसके पीछे से कान है कोयला की है नमक की है, उसमें से कोयला और नमक निकालते हैं, ये सारी इसके पीछे स्टार्ट ट्रेन जो है ना स्टार्ट होती है। अभी आप देख सकते हैं कि इन जो है नीला दहन वो बादलों ने घेर लिया है, ऊपर सारा बादल है और इसके नीचे ये कुछ नीले रंग का पानी है, ब्लू पानी। ये लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इधर आके नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और हमने भी खाना खा लिया है। तो जैसे आपने देखा कि हमने इधर कुकिंग की भी पढ़ाई खाई आपको मैंने नीला दहन की सैर करवाई। अभी हमारी हुई है वापसी का ट्रैक हमारा जारी है, तो अभी मिलते हैं आपको ऊपर जाके। अभी हमें पीछे से देख सकते हैं टॉप से नीला दहन का व्यू, काफ़ी मुश्किल है, लोग थक चुके हैं हमारे लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेगी इंशाल्लाह। ये अभी देख सकते हैं आप टॉप पे हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, ऊपर बादलों ने कर लिया है जी साया पूरी वादी पे और इसके नीचे आपको पता ही है ये आप देख सकते हैं टॉप से व्यू नीला दहन का जो कि है नीले रंग का पानी जिसे कहते हैं। तो हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया है, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं वो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस होती हैं और वो जस्ट जो इसकी मेन पॉइंट है वही इसका शो करवाते हैं, बट हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है तो आप लोग देखना, होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा और मेरी वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। हमने दोबारा सफ़र किया है स्टार्ट और इस बार वजन वाला थैला है मेरे कंधे पे, वकार ने पकड़ी हिम्मत और सब में आया जोश और हमने फिर किया स्टार्ट। घर ओके? हाँ बस ओके। अब लोगों ने देखा कि इधर के एक मकामी था बंदा जिसे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने बताया कि ये एक आबे शफा था इधर बहुत साल पहले 2001 में गालबन बता रहे हैं कि इधर एक फैमिली आई थी लाहौर से, तो उन्होंने इधर आके इधर का पानी जो है पिया तो उनको कोई था कोई शुगर की पेशेंट थी तो उससे उनकी जाके उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए तो उनकी होगी जी शुगर ठीक। और उसके बाद ये पानी को इधर के लोग कहते हैं ये आबे शफा है, किसी को इधर कोई बीमारी हो जी इधर आके इसको पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें तो ये ठीक हो जाता है। और दूसरा एंड पर मैं ये लाजमी बोलूँगा कि काइंडली सफाई निस ईमान है और पाकिस्तान का कोई भी खिता हो उसे साफ़ रखना हम सब का फ़र्ज़ है। तो ये जगह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही प्यारी जगह बनाई है, तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो अमीर अगर आपको बहुत पसंद आएगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, नीला वाहन बाय बाय। आज की शाम नीला वाहन के नाम ढलते सूरज के साथ सबको अल्लाह हाफिज़, बहुत ही जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में।